मेटल्स गर्मी और बिजली के अच्छे कंडक्टर्स हैं। इसकी वजह यह है कि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मेटल में इजीली मूवमेंट कर सकते हैं। मेटल्स मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं, मींस कि नरम और लचकदार होते हैं। मेटल्स की चमक ज्यादा होती है, इसका मतलब है कि वो रोशनी को अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं और चमकदार दिखाई देते हैं। मेटल्स हैव हाई लिस्टामीन्स। मेटल्स में ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होती है। इसकी वजह यह है कि मेटल्स में एटम मजबूत मेटालिक बॉन्ड्स के जरिए एक साथ रखे जाते हैं। मेटल्स कमरे के दर्जा हरारत पर सॉलिड होते बढ़िए सिवाय मर्क्यूरी के। मर्क्यूरी वाहिद मेटल है जो कमरे के दर्जा हरारत पर लिक्विड है। मेटल्स आमतौर पर मजबूत और पायदार। मेटल्स रिएक्टिव है और आसानी से दूसरे एलिमेंट्स के साथ केमिकल बॉन्ड्स बना सकते हैं। इसकी वजह यह है कि इनमें कम आयनाइजेशन एनर्जी है, जिसका मतलब है कर वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं। मेटल्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा हैं। वो मुख्तलिफ कस्म के एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होते हैं, इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट साइड पर हाइड्रोजन के अलावा सारे मेटल्स हैं। पीरियोडिक टेबल में अप्रोक्सीमेटली 80% मेटल्स हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।